This is Jammu. 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 वैष्णवी धाम, रेलवे स्टेशन, गुलाब भवन, महाजन हॉल, इन सब जगह पे हमारे लड़के कौन है बिठाया गया करने के लिए और हमें उसके लिए बोला गया था पर एंट्रीज का आपको ₹10 दिया खल कर यार, पर आज तक हमें वो नहीं मिला है। या जबकि हम एडीसी सतीश शर्मा के साथ हमारा मीटिंग हुई थी वहाँ पे, नहीं है जो नए एडीसी आए हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा, बट आज तक देखा नहीं गया। डीसी मैम से 2-3 बार मीटिंग हुई है, सुरेंद्र जी 2-3 बार गए हैं और सुरेंद्र जी की बात उन्होंने बोला कल आना, बस 10 दिन के बाद आना, 20 दिन में 100% हो जाएगी। ये जनवरी की लास्ट तक भी बात है, मार्च में भी हुई कि आपको पेमेंट जो है वो रिलीज होने वाली, पीछे से नहीं आई है। बाद में क्या हुआ कि हमारे ये सर गए थे, इनको धक्के लगाए गए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो डिपकॉम में जाके पूछो, ये जो बाहर होते हैं इनके पीएनशियन जो भी होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है जी, आप चले जाओ यहाँ से। तो ये गए डिपकॉम में, डिपकॉम वाले कहते हमें कुछ नहीं पता, सेक्रेट में चले जाओ। ये सेक्रेट में गए, सेक्रेट वाले कहते हमें कुछ नहीं पता, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट सेक्शन में गए थे, कुछ नहीं पता। स्लाइड बोर्ड में जाके पूछा, वो कहते हमारी तरफ से रिलीज हुई है। अब बताओ पूछे किसको, सर हर किसी के अलग अलग पेमेंट, जैसे मेरी 12,000 एंट्री, अब मेरी 12,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप 10 के साथ, 1,20,000 मेरी के लिए बनती है, देन इनकी भी 5-7-10 जो भी इनकी होगी, एक लड़के की 55,000 एंट्रीज है क्योंकि उसे 19 लड़के लगाए हुए हैं, 50,000 इनकी एंट्रीज है सर की, 55,000 एंट्रीज है जिनके रेलवे स्टेशन कहीं आगे पीछे बैठे। अब बताओ ये पेमेंट कौन रिलीज करेगा, हम बच्चों को कहाँ से देंगे? कितने सालों से पैसे फंसे हुए हैं? नहीं, पिछले साल जो अमरनाथ यात्रा हुई थी 11 मंथ हो गए, मीन्स अभी आपकी क्या बातचीत हुई है? वही तो बोल रही हूँ, कल परसों अब तो ना फोन उठाते, ये सर अब अप्रोक्स आप लगा ही लो कि मैंने अभी सिर्फ 4-5 बंदों की बताई है, तो मतलब 60-70 अगर हमारे बीच में ही बन रहा है तो सीधे तो 70 लाख तो यही बन जाता है। इवन की नाइट में भी काम करा हुआ है, नाइट में भी काम करा हुआ है हमने, मैंने नाइट में काम करा हुआ, अपने बच्चे छोड़ के मैं नाइट में बैठी हुई हूँ वहाँ पे, और यात्री निवास में जितने एम्प्लॉयज काम करते थे वो सब मुझे जानती है कि रूपाली वहाँ पे थी काम कर रही थी, और किसके पास है? हमारा काम तो डीसी मैम के पास ही था ना, क्योंकि हमें तो यहाँ से हायर करा गया, हर बार यहाँ आते थे, हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट का कोई इशू बता दें, पेमेंट कहाँ है, किसके पास है, कभी नहीं करी, बस आज कल 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद वेट कीजिए आप, 20 दिन में हो जाएगा, वो 20 दिन आज तक कवर नहीं, 1 साल से भी ज्यादा होने लगा है, आज कल बंदे को हम चाहते हैं कि